नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष और आपको तो पता होगा देश में इस समय क्या चल रहा है। जस्टिस फॉर मनीषा, और मैं कहता हूँ नहीं, जस्टिस फॉर एवरी मनीषा एंड जस्टिस फॉर मनीषा ऑफ द फ्यूचर। अभी बहन मनीषा को इंसाफ मिल भी जाता है तो इसकी क्या गारंटी है कि आने वाले भविष्य में कोई ऐसी मनीषा फिर से नहीं होगी? बिल्कुल इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता और लेगा भी नहीं। पर इसके खिलाफ एक सख्त कानून तो हो सकता है, एक स्ट्रिक्ट एक्शन, एक इंस्टेंट एक्शन तो हो सकता है, जिससे कि हमें ये गारंटी, इसकी गारंटी तो हो जाए कि आगे ऐसी मनीषा कोई और नहीं होगी, भविष्य में ऐसी मनीषा कोई और नहीं होगी। आज एक ये केस आया है रेप का, हो सकता है अभी आगे भी केस आए। क्यों? क्योंकि आपको पता है जिस दिन ये बहन मनीषा का केस आया है उसी दिन शाम को दो केस और आए हैं, मतलब उसी दिन तीन केस टोटल आए हैं। तो इससे क्या आपको लग रहा है, तीन तीन केस एक ही दिन में, इससे कुछ लग रहा है? कुछ भी डर जो ऐसे जानवर जो ऐसे दरिंदगी करते हैं उनके मन में बिल्कुल भी डर है? थोड़ा सा भी, इतना सा भी डर है? इससे क्या लग रहा है आपको? एक तरफ हम सुबह वी जस्टिस फॉर मनीषा, जस्टिस फॉर मनीषा और आरोपियों को फांसी दो ऐसा कर रहे हैं, और उसी दिन शाम को एक और केस आ जाता है। इससे क्या लग रहा है कि आरोपियों के मन में बिल्कुल भी डर है? नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं है। और क्यों नहीं है आपको पता है? जो निर्भया का केस था उसमें 8 साल लगे थे आरोपियों को फांसी होने में। आरोपी मुझे, हमें भी पता था, अपनी आंखों से हमने देखा भी था, चेहरा भी याद था, पूरे देश को पता था कि आरोपी कौन है, लेकिन फांसी कब हुई? 8 साल बाद। इससे क्या लग रहा है? इससे जो आज भी अभी जो दरिंदगी वाले लोग बैठे हैं, जो जानवर बैठे हैं, उनके मन में डर का प्रभाव कम हो रहा है इन चीज़ों से, इन सब चीज़ों से। तो गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। लॉ होना चाहिए, लॉ है, होना नहीं चाहिए, है लॉ, इसके खिलाफ कानून है, पर इंस्टेंट एक्शन होना चाहिए, तुरंत इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इसके खिलाफ कोई कुछ भी नहीं, इसको इस एक लॉ को के सपोर्ट में 4-5 लॉ जो आ जाते हैं ये नहीं होने चाहिए। अगर आपको मेरी बातें थोड़ी सी भी अच्छी लगी हों, थोड़ी सी भी सही लगी हों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर वीडियो में मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, कुछ गलती हो गई हो मुझसे, तो उसके लिए मुझे माफ़ी चाहता हूँ मैं, मुझे माफ़ कर दीजिए। और अगर आपको बात मुझे मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ये मेरी बात, ये मैं जो बोल रहा हूँ ये दूसरे तक अगर आप पहुँचाना चाहते हैं, आप ये बातों को और दूसरों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो वीडियो को शेयर करिए, प्लीज़ शेयर करिए।